Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel and आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स क्विज. देखिए ये वीडियो आपको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में रोजाना उपलब्ध हो जाती है. कभी कभी इसके नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं इस वीडियो को. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशंस हैं ना वो आपको ईजिली मिल जाया करेंगे. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 13 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आप जो भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं उन सबको, आप सभी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो. तो चलिए हम शुरू करते हैं. किसे सर्वश्रेष्ठ महिला संसदीय राजभाषा के राज्यसभा के रूप में सम्मानित किया जाएगा? किसे सर्वश्रेष्ठ महिला संसदीय राज्यसभा के रूप में सम्मानित किया जाएगा? तो इनका नाम है कनिमोझी, ऑप्शन है बी. देखिए इन्होंने जब इनके संसद के में इनका एक बहुत ही बड़ा उत्कृष्ट योगदान रहा है और कई दशकों से जो इनके लोकतांत्रिक मूल्य और सिद्धांतों को सुदृढ़ करने के लिए इनकी जो प्रयास रही है, तो उनके इस योगदान के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला संसदीय राज्यसभा के लिए चुना गया है और सम्मानित किया जाएगा. ये भारत के जो हमारे उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है श्री वेंकैया नायडू, उनके द्वारा ये अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में घोषित किया गया. ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, कनिमोझी है जिन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला संसदीय राज्यसभा से नवाजा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं. किस देश के वैज्ञानिकों ने एक पुनः लिखने योग्य पेपर विकसित किया है? वो कौन सा देश है जिन्होंने उस पेपर पे ना फिर से दोबारा लिख सकते हो वैसा एक पेपर उन्होंने विकसित किया है? तो ये देश है चीन, ऑप्शन है हमारा ए चीन. देखिए इसमें क्या होगा, चीन में जो फुजियान है ना, वहाँ सामान्य विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है. एक सैंडविच आकार की संरचना होगी इसकी, ठीक है, जहाँ तापमान को अगर आप बदल देंगे ना तो पार्ट को बदला जा सकता है. सैंडविच आप सबने देखा होगा, सैंडविच जैसे इसकी संरचना है, अगर आप तापमान बदलते हो तो उसे पार्ट बदल जाएंगी और 100 बार साफ किया जा सकता है. मतलब आप खुद ही चेक कर लो, एक पेपर पे हम एक बार दो बार तीन बार इरेज करते हैं, देन क्या होता है, पेपर फट जाते हैं या फिर उतना लिख नहीं पाते हैं. बट उसमें क्या है कि 100 बार भी आप उसे साफ किया जा सकता है, इवन आप उसे लिख सकते हो. मतलब ये एक ऐसा पुनः लिखने योग्य पेपर विकसित हुआ है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए. तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए, ए चीन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं. किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल हैकथॉन लॉन्च किया? तो देखिए ये ना नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है. ये भारत के महत्वपूर्ण जितने भी सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव है तो उन सबको बनाने के लिए ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल हैकथॉन लॉन्च की गई थी. तो ये ध्यान रखिएगा कि ये नीति आयोग के द्वारा की गई थी. तो हमारे ऑप्शन क्या होगा, ए नीति आयोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 दिवसीय एशियाई अकेडमिक क्रिएटिव अवार्ड्स किस देश में संपन्न हुए? 2 दिनों की जो आपकी एशियाई अकेडमिक क्रिएटिव अवार्ड चल रही थी वो किस देश में संपन्न हुई? तो देखिए ये हुई सिंगापुर में. हमारे ऑप्शन है ए सिंगापुर. और यही जैसा कि यहाँ है एकेडमिक क्रिएटिव पुरस्कार, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे इन्होंने मतलब कुछ कुछ कैटेगरी रखी थी, जैसे बेस्ट हीरोइन कौन है, बेस्ट हीरो कौन है, सहायक कैरेक्टर कौन है, देन सीरियल कॉमेडी सीरियल, इन सब का इनका ये अवार्ड फंक्शन था. याद रखिएगा कि ये सिंगापुर में संपन्न हुई है. ऑप्शन हो जाते हैं ए सिंगापुर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर खेलो इंडिया यूथ खेल 2019 की मेज़बानी करेगा? वो कौन सा देश शहर है जो कि खेलो इंडिया यूथ खेल 2019 में होने वाली है उसकी मेज़बानी करेगा, मतलब उसे होस्ट करेगा? तो ये देश है आपका पुणे. देखिए इसमें ये जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा होती है ना, उसका ये सेकेंड संस्करण है, मतलब सेकेंड एडिशन है. एंड ये ध्यान रखिएगा कि ये पुणे में हो रही है, पुणे महाराष्ट्र. देखिए महाराष्ट्र के अंदर पुणे, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो खेलो इंडिया यूथ खेल 2019 है ये पुणे में हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं. 2018 मिस्टर सुपर नेशनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वो कौन से भारतीय हैं, उनका क्या नाम है जो 2018 के मिस्टर सुपर नेशनल खिताब को उन्होंने हासिल किया है? तो इनका नाम है
प्रथमेश मौलिंगकर, ऑप्शन हमारे होते हैं सी, प्रथमेश मौलिंगकर। और देखिए ये जो है, ये पहली बात तो ये गोवा के रहने वाले हैं, ठीक है। और पोलैंड में जो आयोजित हुआ था ना थर्ड एडिशन, उसमें 37 उम्मीदवारों में ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस मिस्टर सुपर नेशनल खिताब को जीता है। तो ये पहले भारतीय, ये चीज़ तो आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने कहा कि पोलैंड की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो समारोह हुई थी ये पोलैंड में आयोजित हुई थी, तो वहाँ की राजधानी आप ध्यान रख सकते हो वॉर्सा, पोलैंड की राजधानी है, और वहाँ मुद्रा चलती है पोलिश ज्लोटी, पोलिश ज्लोटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। मिंत्रा के सीईओ जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मिंत्रा के सीईओ का क्या नाम है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मिंत्रा आप सभी जान रहे होंगे, ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की ये साइट, एनीवेज तो ये अनंत नारायणन है और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन हो जाते हैं डी। किसको अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला घोषित किया गया है, मतलब कि वो कौन सा शहर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, या कौन सी जिला है जो 23वें नंबर पे आ गई है। तो देखिए इसका नाम है सियोमी, ऑप्शन हमारा है ए सियोमी। एंड ये जो हमारे गृह मंत्री है ना, सॉरी वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के जो गृह राज्य मंत्री है किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खंडू जी, तो आप दोनों वहाँ उपस्थित होकर उद्घाटन कर दें। और एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो 23वां संस्करण है, तो बस इतना ध्यान रख, 23वां जो जिला घोषित हो रहा है ये सियोमी में हो रहा है। ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जिन्होंने 10 दिसंबर 2018 को इस्तीफा दे दिया, इनका क्या नाम है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है जिन्होंने 10 दिसंबर 2018 को इस्तीफा दे दिया है, ये अभी तक के थे उर्जित पटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सबको ध्यान रखनी है कि इन्होंने कुछ निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। कुछ निजी और व्यक्तिगत कारणों से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और 1990 के बाद, ये भी आप ध्यान रखिए कि 1990 के बाद कार्यकाल में ये पहले मतलब भारतीय जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। कार्यकाल के अंत होने के पहले इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इनका कार्यकाल सितंबर 2019 में समाप्त होना था, पर कुछ व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है। और ये भी ध्यान रखिए कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ये गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, ये 24वें गवर्नर थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हमारा ऑप्शन हो आता है सी उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किस राज्य में घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए 24 घंटे की टोल फ्री हेल्पलाइन 181 लॉन्च किया गया है। देखिए ये एक हेल्पलाइन है 181, इसमें क्या होगा कि 181 को आप डायल करोगे तो एक तो है वो 24 घंटे आपको सेवाएं प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और ये किस राज्य की बात हो रही है, तो ये तमिलनाडु की बात हो रही है। ऑप्शन है हमारा बी तमिलनाडु। देखिए यहाँ जो तमिलनाडु सरकार है ना, उन्होंने पुलिस सहायता, कानूनी सहायता और या एम्बुलेंस समेत चिकित्सा सेवाओं से सहायता प्राप्त करने के लिए घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए 24 घंटे की ये टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च की है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद ये जो 24 घंटे की हेल्पलाइन है ये रोज़ उपलब्ध होगी, जैसा कि इसमें बात हो ही रही है कि 24 घंटे की। तो चीज़ें समझ में आ गई, याद रखिएगा ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया 181 जो कि आपका टोल फ्री नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रेलवे मंत्रालय द्वारा कौन सी सर्किट पर्यटन ट्रेन लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आप सब अगर जान रहे हो तो मुझे बताओ कमेंट करके, अभी तुरंत बताओ, मैं आंसर इसके बताऊंगी कि ये जो पर्यटक ट्रेन है ना, अभी अभी एक और पर्यटक ट्रेन हमारे लिए लॉन्च हुई है, तो उसका क्या नाम है। अब देखो इसमें हम बात कर रहे हैं कि रेलवे मंत्रालय द्वारा कौन सी सर्किट पर्यटक ट्रेन लॉन्च की गई है। तो देखिए हमारी जो भारतीय रेलवे है, उनकी जो खान पान और पर्यटक मतलब पर्यटक शाखा है IRCTC, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो ये सर्किट पर्यटक ट्रेन लॉन्च करने की इन्होंने घोषणा की है, और इसके जो गंतव्य स्टेशन है ना, वो दिल्ली, बोधगया, नालंदा, राष्ट्रीय आपकी राजगीर, वाराणसी, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, स्वस्थ्री और आगरा, इन सारे स्टेशनों को पार करते हुए ये चलेगी। तो ये सारे इसके गंतव्य स्टेशन है। और जैसा कि मैंने कहा
देखिए ये ना 16 दिनों का एक तीर्थ यात्रा के लिए ये सारे इंतज़ाम किए गए हैं। और एक चीज़ और, जैसे कि मैंने कहा था अभी कि एक और पर्यटक ट्रेन हाल ही में कौन सी लॉन्च हुई थी, तो श्री रामायण एक्सप्रेस, ये नहीं भूलना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रामायण एक्सप्रेस जो दिल्ली के सफदरजंग से स्टार्ट हुई थी, और ये भी एक पर्यटक ट्रेन ही है जो लॉन्च हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन में हम बात करें कि रेलवे मंत्रालय द्वारा जो सर्किट पर्यटक ट्रेन है, अब इसका क्या नाम है? तो जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो, तो बौद्ध सर्किट पर्यटन ट्रेन इसका नाम है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। किस राज्य में कजाकिस्तान निदलिप चंदन के तहत व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए वाणिज्य दूतावास खोला है? किस राज्य में कजाकिस्तान ने दिलीप चंदन के तहत व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए वाणिज्य दूतावास खोला है? तो ये देश है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन हो जाता है ए आंध्र प्रदेश। एंड देखिए इसमें क्या है, आई एम सॉरी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। दिस इज़ नॉट आंध्र प्रदेश, ये गुजरात है, ठीक है। यहाँ पास थोड़ी सी थी। देखिए कजाकिस्तान ने दिलीप चंदन के तहत जो व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए वाणिज्य दूतावास जो खोला है ना, ये उन्होंने गुजरात में खोला है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे बी गुजरात। और ये आप ध्यान रखिएगा कि इनका जो उद्देश्य है इसके पीछे, ये है व्यापार साझेदारी के लिए। कजाकिस्तान गणराज्य की जो स्वतंत्रता दिवस के अभी 87वीं वर्षगांठ पूरी हुई थी ना, तो उस दिन संध्या पर इसका उद्घाटन किया गया। और ये कजाकिस्तान और भारत के बीच में आईटी उद्योग, इंजीनियरिंग, पर्यटन और परिवहन और साथ ही कृषि के क्षेत्र में परस्पर लाभकारी सहयोग के विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो ये इसके पीछे का उद्देश्य है वाणिज्य दूतावास खोलने का। और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना और वहाँ की मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंज, ठीक है। तो देखिए इसमें ध्यान रखने वाली अब बात क्या हो गई ना, कि जैसे कि मैंने कहा कि आपका ऑप्शन है बी गुजरात, कजाकिस्तान। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि बट यहाँ इन्होंने व्यापार संबंधों को बढ़ाने की बात की है ना, तो इसलिए ये गुजरात होगा। ऑप्शन है बी गुजरात। और दिलीप चंदन के तहत जो व्यापार संबंध बढ़ाए जाएंगे भारत कजाकिस्तान के, ये गुजरात के साथ होंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन हो गए हमारे ए विराट कोहली। और देखिए इन्होंने टोटल 31 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और तब जाके ये पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने वाले ये पहले, क्योंकि इन्होंने 31 रन से ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ तो आप ध्यान रख सकते हो वहाँ की राजधानी है कैनबरा और वहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो ये सारी चीज़ें थी कुछ जो आपको ध्यान में रखनी है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 13 दिसंबर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।